25 नूं मिंटी दा फंक्शन है। डैड तुसी आओगे ना? नहीं, मैं इन फंक्शन च इंटरेस्टेड नहीं हां। तुसी जाओ सारे। तुसी फंक्शन च इंटरेस्टेड नहीं हो या मूड खराब है? मैं पिछले कुछ दिनों तो देख रही हां कि तुसी ना बड़े चुप-चुप जे रहन लग गए हो। मॉम सही कह रहे ने, डैड हमेशा इवें लगता है जैसे तुसी कुछ सोचते ही रहते हो। की गल्ला कर रहे तुसी सारे, चुपचाप खाना खाओ। विक्रम, मेहर कर नहीं है, ऑफिस गई है क्या? यस डैड। उन्हें समझा, अचानक कुछ नहीं होने वाला। साड़ी फैमिलीज दे कुछ रूल ने, जो रूल्स नहीं मनेगी ना तो कार्य कलेश होने। मैं मेहर नूं अपनी बेटी मनदा, जो साड़ी गल नहीं मनेगी ना तो मैं बाप होने के नाते उन्हें झिड़क के समझा भी सकता। तो नाले तू ना उन्हें प्यार ना समझा लै, ये जड़े झगड़े है ना वाइफ हसबेंड से सॉल्व हो जाए तो चंगे। मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता इन्होंने। पर तुसी इंटरफेयर कर रहे हो पापा जी, तुसी भी कर रहे हो ते मम्मी जी भी कर रहे हैं। कितने ये सब कुछ सिर्फ ऐस करके तो नहीं है ना कि मैं तो हानु सारे नु पसंद नहीं है, या फिर तुसी सब मेरे तो डर रहे हो? प्लीज मेहर, खाना तो ढंग ना खा लें दे। तू इतना सीन क्रिएट करके सारे नु क्यों टेंशन दे रही है? मैं टेंशन क्रिएट कर रही हूँ? तो सब नु मेरी टेंशन नजर नहीं आ रही? मेहर चुपचाप खाना खा ले बच्चे। विक्रम अपनी वाइफ नु दस दे, साड़ी फैमिली च मैनर्स दे नाल बोलना कितना इंपॉर्टेंट है। इन्हों क्या खाना खा ले, नहीं तो की पापा जी कि तुसी भी मम्मी जी वांगू मेरे हस्बैंड दे कान भरोगे? आई तो मैं भी इत्थे खाना खानी सी, पर जिस हिसाब नाल तुसी दोवें मेरे हस्बैंड नूं भड़का रहे हो ना, मैनू नहीं लगता कि इन्हां ने मैनूं 2-3 दिन भी इत्थे रहन देना। मेहर बी क्वाइट, तो चुपचाप खाना खाओ। नहीं विक्रम, हर बारी मैं तुहाडे बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। टॉक प्रॉपरली, पहला मेरी फैमिली दी रिस्पेक्ट करो। रिस्पेक्ट ओना नहीं मिलती है जो पहला आप रिस्पेक्ट देंदे ने। मैनू जो मिलेगा मैं भी ओही दवांगी। भाभी तुसी ये की कह रहे हो, हजे तुहानू आए होए किन्ने ही दिन होए ने, थोड़ा तो रिश्तियां दा लिहाज रखो। कि तुहाडा सारे दा कोई फर्ज नहीं बनता लिहाज रखण दा। प्लीज मेहर, मेहर साढ़े तो इन्नी बहस नहीं होंगी। ये चीखना चिल्लाना साड़ी फैमिली नहीं आता बच्चे। चाची जी, जिस इंसान की जिस तरह की अपब्रिंगिंग होंगी वह बंदा उदा बिहेव करता ना, परवरिश नाम की भी तो कोई चीज़ होंगी है। प्लीज कल्याणी ये सब ना बंद करो तुम। हूँ मेहर, कल्याणी चलो आ जाओ सारे खाना खाओ। ठीक है, एटलीस्ट कोई तो इतने मेरा साथ दे रहा है। भाभी चेयर कल्याणी दीदी है। मैं ऐसे चेयर पे बैठूंगी। मैनू तेरे तो यह उम्मीद नहीं सी, तू एक चेयर पीछे लड़ रही है। साढ़े पेरेंट्स ने सानू सारे की इज्जत करनी सिखाई है, ते तू माफी मांग सारे तो। What? तू हुन्नी कौन है मेरे फैमिली मैटर दे विच इंटरफेयर करने वाली? मैं बोल के समझा रही हूँ, इदा मतलब आ नहीं कि मैं हाथ नहीं चक सकती। सहज, मैं कुछ नहीं सुनना, चुपचाप बैठ के खाना खा ले। सहज तू हुन्नी कौन है मेरे नाल इस तरह गल करने वाली? बस कर दे। चेयर बारे भूल जा, चुपचाप बैठ के खाना खा ले। मैं तेरे नाल कोई बहस नहीं करना चाहती, तो इतो चली जा। पर उस तो पहला इस चेयर ते उन्हें बिठा के जावांगी जिसका इस चेयर ते हक बन पाए। किदा हक बनता है इस चेयर ते? सहज, कब
कबीर। कबीर प्लीज तू इस चेयर पे बैठ जा। कबीर इतने क्यों बैठेगा? ऐ बहुत ज्यादा हो रहा है सहज। वो इस चेयर पे नहीं बैठेगा। बैठ सकता पर जबरदस्ती नहीं, सारियां दी परमिशन दे नाल। मिस्टर राजनाथ मल्होत्रा ते कल्याणी मल्होत्रा दी मर्जी नाल ही बैठेगा। क्यों दी बैठ सकता ना कभी? की होया तुसी सारे इत्थे चुप क्यों खड़े हो? ए कबीर क्यों बैठेगा इत्थे? जे इत्थे किसी ने बैठना ही है तां तो मेरे हस्बैंड विक्रम बैठेंगे। जस्ट वन रॉन्ग डिसीजन, एक फैमिली मेंबर जे गलत आ जावे ना तो देखो ये हाल हुंदा है। देखो पूरा घर फिश मार्केट बनया पिया। I'm sorry, Sahaj. Please don't mind. B. Come. इस चेयर पे सिर्फ तू ही बैठोगे। B. रीसेट। जिन्हू जिहड़ी जगह सूट करदी है उत्थे बैठ सकदा है पर इस चेयर ते सिर्फ दी ही बैठ रहे। हुण ए की नया ड्रामा है? तुसी उन्हां नू दी क्यों कह रहे हो? किसी की गलती की सजा पूरी फैमिली भुगत रही है। केड़ी गलती की गल कर रहे हो तुसी? कल्याणी की गलती हुई है? तो सच्चाई ये हुई है कि मैं तुम्हारा यानी कि राजनाथ मल्होत्रा ते उर्मिला मल्होत्रा का बेटा। दैट यू समझदे क्यों नहीं? आई एम योर सन। सहज तू अपने हस्बैंड नु रूम च ले जा। ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭਿਜਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੀ ਅਲਾਊਡ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕਲਿਆਣੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਹਰ ਪਲੀਜ਼ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈ। मैं रूम च जा रहा। वैसे कोई जानना नहीं चाहेगा कि मेरे सिर पे बैंडेज क्यों है? किसी नूं कोई फर्क नहीं पैंदा। तुहाडे चों कोई ये जानना नहीं चाहता कि ये क्यों होया? वैसे मैं तुहाडे तों तां उम्मीद कर रहा सी कि एटलीस्ट तुसी तां मैनूं जरूर पूछोगे। हाल तां बंदा राह जांदे तां वी पुछ लैंदा। खैर सहज, बेगानी फैमिली नूं डिस्टर्ब करना चंगी गल नहीं है। आपां चलदे हां। जो भी बोल रहे ने ये समझ तो बाहर क्यों हो रहा है? पक्का इहदे पिछे कुछ तो चल रहा है। जिन्ना मर्जी टाइम लग जाए पर तेरी चेयर ते तो मैं बैठांगी ही बैठांगी। कल्याणी मल्होत्रा ऑफिस की चेयर ते इत्थे मेरी जो बेइज्जती हुई है ना, ओहदा हिसाब तो मैं लेके रहांगी।
तू तो मैनू चीयर अप करदा हुंदा ते तू इन्नी छेती आप किवें दुखी हो सकदा है। मैं सोच रहा सी कि जिहड़ी फैमिली नूं असीं अपना बनाउण ते अपना कहण च लगे होए आं उहनां नूं तां साडी फिकर ही नहीं है। मैनू कबीर नूं निहाल वीरे ते इहदी मदर दे कनैक्शन बारे दसना चाहीदा है। मेरे कोल इक न्यूज़ है एंड आई एम श्योर तैनूं सुन के वधिया लगेगा। की? Can I come in? हाँ जी, हाँ जी दी, प्लीज। What happened? ये साठ कितना लगी है तेरी? असी इन्हां नूं डीके या बाकियां बारे नहीं दस सकते, कुछ झूठ ही बोलना पड़ेगा। ओदी जदों असी घर वापस आ रहे सी ना तां रस्ते च ट्रैफिक बहुत सीगा तो साडा एक्सीडेंट हो गया। लकीली मैं तां बच गई पर कबीर दे सट लग गई। दवाई ले लै ते रेस्ट कर, सब ठीक हो जाएगा। की होया दी, तुसी फाइल्स की देखना है? नथिंग, बस ये देखना सी कि डॉक्टर ने की लिखे। बट वाई आर यू गेटिंग सो पजेसिव अबाउट दिस फाइल? कुछ नहीं दी, सब ठीक है। उन्हें फिर दवाइयाँ लिखिया ने वही लेनी है। बाकी थैंक यू सो मच, तुसी इस तक आए। टेक केयर। सहज उस फाइल में लेके इस तरह क्यों बिहेव कर रही थी? कितने कुछ लुकाने की कोशिश तो नहीं कर रही? आई शुड फाइंड इट आउट। कबीर, मैं तेरे लिए खाना लेके आनी हूँ। खाने तो बिना दवाई भी नहीं ले सकता ना, मैं आनी हूँ। मैंने मेडिसिन्स नहीं चाहिए। मतलब ना तो मेरा दवाइयां खान का मन है ते ना खाना। तू फिर तो अपनी मनमानी शुरू करती है ना कबीर, बी सीरियस कि फिर तो तू कुछ ऊटपटांग बोलना। ऊटपटांग? मैं बिल्कुल भी नहीं। फिर मैं अपनी फीलिंग्स बोलूंगा, टिन माइंडेड। मेरी फीलिंग्स ऊटपटांग नहीं है। सो सहज मैडम। ओह हेलो, वेट वेट, तू फिर तो प्यार दे फिल्मी डायलॉग बोलना शुरू करेगा ना। फिल्मी नहीं, असली है। तेन पता मैं मेडिसिन ते खाना क्यों नहीं खाना चाहना? क्योंकि मेरी मेडिसिन तू है। जब मैं तेनू देख लेना मैं बिल्कुल ठीक हो जाना। तू एक बारी एडमिट तो कर, फिर देखी मैं कितनी जल्दी ठीक होऊंगा। उस तो बाद अपना विवाह करा के हैप्पीली मैरिड। ब्याह करा के हैप्पीली मैरिड। तुसी दोनों ते मैरिड हो ना? ऑफ कोर्स साडा ब्याह होया यार। एक्चुअली कबीर कह रहे सी कि असी भज के ब्याह कराया ना तो असी दोबारा ब्याह करना चाहते हैं पर सब दे सामने, बस ओही गल कर रहे सी। अच्छा, तू ते तेरा एक कबीर, एक गल तुसी कन खोल के सुन लो। जो ड्रामा तुसी अज किता ना दोबारा नहीं होना चाहिए। नाले मेरे ते मेरी फैमिली दे मैटर च ना इंटरफेयर करना बंद कर दो। तू अजे तेरा सिर फटिया। आई विल ब्रेक योर फेस नाउ। तू मेरी मत्थे दी छोटी जी सट देख के मैनू वीक समझ रहा। जे मैं अपना जोर लाया ना तो तू लब्बे ते भी नहीं लब्बना। मुंह संभाल के गल कर। तू मेरे घर च खड़ा विक्रम। कबीर नूं हथलां दी गलती ना करी। घर चाहे किसी का भी होवे
ये ना भूली कि तू एजेंट वीरा दे सामने खड़ा है विक्रम। टू हेल विद योर एजेंट वीरा। मुंह संभाल के गल करो ना। तू चुप कर। एजेंट वीरा रियली? तो ये सब तो पहला मेरी लवर रह चुकी है। चले की होएगा कि मैं सारे चीख चीख के सब दस दवा। मैं तेरे नाल ब्याह नहीं कराया, तू फर्स्ट है। इसे करके तू कबीर ने ब्याह कराया, इसे करके तू एदा सहारा लेके इस घर च आई है ना। यह जी जी फर्क था ना, तेरे वर्गे चीप लोग ही कर सकते ने। विक्रम ना समझ कि तू बार बार मेरे ते हाथ चकेंगी तो मैं चुपचाप देखता रहूंगा। तू देखना चाहनी है ना की कर सकता। कल्याणी दी डैड एक कुड़ी मेरे रिलेशनशिप सी। विक्रम की होया किड़ा रिलेशनशिप की दे नाल ते किड़े रिलेशनशिप दी गल कर रहे विक्रम? नहीं मॉम ओ एक्चुअली। हाँ दस ना की गल कर रहे सी। इत्थे ते सहज तो अलावा कोई भी नहीं है ते की दे नाल रिलेशनशिप च सी तू? किते तेरा मतलब ये नहीं कि तू सहज दे नाल रिलेशनशिप च? रिलेशनशिप तो है। की रिलेशनशिप है? सहज। कबीर आज ना मैनू रोक, आज बोल लें दे विक्रम नाल मेरा रिलेशनशिप है। वो मेरी सिस्टर का हसबेंड है तो मैं वो वड्डी साली हाँ तो वो साढ़े घर का जवाई है। अच्छा उदा थोड़ी देर लिए तो मैं डरी गई सी, मैनू लगे जिमें थोनू की लगे आंटी कि विक्रम वर्गे मुंडे नाल मेरा रिलेशनशिप होएगा। एक गल कह आंटी मायना करो, तुसी विक्रम के शौक तो सारे पुगाया पर संस्कार सही तरीके नाल नहीं दिते। थोड़ा होर डिसिप्लिन सिखाना चाहिदा सी। मनो चाहे ना मनो विक्रम एक अमीर बाप दी बिगड़ी औलाद है। हे माइंड योर लैंग्वेज, तैनू पता नहीं तू किहदे नाल गल कर रही है? हाँ मैं हुने तक क्या एक अमीर बाप दी बिगड़ी औलाद नाल गल कर रही हूँ। चल जाए तू जा अपने रूम च। हाउ डेयर यू, तू मैनू ही मेरे घर के रूम च कढ़ रही है? तू इस घर च गैसट है, जे मैं चाहवां ना एक मिनट च तैनू इस घर चो कढ़ सकदा। सहज नतीजे बारे सोच के गल करे, विक्रम इस घर का बेटा है मैनू पता है आंटी, पर मैं इस घर की की लगती हाँ वह भी थोड़ा जल्दी पता लग जाएगा। पर उस तो पहला मैं थोड़े इस बेटे नू तमीज सिखा दवा। पर नहीं तुसी आप ही इनू तमीज सिखा दो कि कुड़ियां नाल गल किवें करते हैं, जे मैं सिखाई तो इहदी बेइज्जती हो जाएगी। ते गल होर
ते गल सिर्फ बेइज्जती तक नहीं रुकेगी, इंटरोगेशन रूम च ले जाके कुटाई भी हो सकती है। ये सब की बोल रहे हो, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुसी फिकर ना करो आंटी, बहुत जल्दी तुसी भी सब समझ जाओगे। ते तू ऐसे क्यों खड़ा है? आउट, निकल मेरे रूम तो। मेरे घर च आके कोई मेरी बेइज्जती कर जे, की फायदा मेरे घर च मालिक होने का? तू मैनू इस रूम च जान ले नहीं कह सकती, तेनों ते मैं कटांगा इस घर चों, वो भी बहुत छेती। विक्रम मेरी गल सुन बच्चे,